हेलो फ्रेंड्स दिस इज ममता सामरे खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एम एस की केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं राउल्स लॉ हैनरीज लॉ कॉन्सनट्रेशन टर्म कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आज बात करते हैं हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट को हम शॉर्ट में एफ पी से डिनोट करेंगे ये क्या होता है वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड इट एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेट तो पहले शुरुआत करते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट आखिर होता क्या है तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉलिड में जाना है किसको लिक्विड को तो लिक्विड फेज को सॉलिड फेज में जाना है उसके लिए जरूरी क्या है जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए इट शुड भी रिड्यूस तभी तो लिक्विड फेज सॉलिड फेज में जाएगी ठीक है इसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट हम किस टेम्परेचर को कहते हैं तो जब फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस के लिए बात की जाती है तो पहली चीज़ तो क्या होती है कि उस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड फेज को एग्जिस्ट करती है मीन्स दे आर इन इक्लिब्रियम दोनों इक्वरियम में होती है और दूसरा लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों के जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होती है ये इक्वल होती है तो अब स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं

प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में और अगर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज लोअर्ड वेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन इट मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम होगा जैसे कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होता है ठीक है अगर आपने इसमें मान लीजिए सुक्रोज मिला दिया या ग्लूकोज मिला दिया तो क्या होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में चला जाता है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब ये क्यों होता है ये बहुत बड़ा सवाल है तो इसका जवाब हम दे देते हैं वाई तो देखिए क्या होता है फॉर प्योर सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेज आर लार्ज इनफ टू कॉज द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड तो फॉर प्योर सॉल्वेंट जो उनके मॉलिक्यूल्स के तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्योर सॉल्वेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इनफ टू कॉज अ चेंज ऑफ फेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ठीक है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से सॉलिड फेज में आ जाएंगे लेकिन अब जब आपने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो क्या होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स दी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बीच में आ गए तो वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास पास आने नहीं देंगे तो दिक्कत हो गई तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन अ सॉल्यूशन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दिस रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन सोलवेंट मॉलिक्यूल्स तो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज कम हो गए सो द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन इज लोअर्ड दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट तो टी नॉट एफ हम डिनोट करते फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट एंड टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो जो प्योर सोलवेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब होता है कमी होना तो यहाँ पे हम डेल्टा टी एफ के लिए लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ अब सीखते हैं कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है इसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है और किस तरीके से इसे हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट कर सकते हैं तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो देखिए पहले हम सॉल्वेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखिए अगर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आना है तो टेम्परेचर आपको कम करना पड़ेगा तो पहले हम सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर कम करते हैं तो कम करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है इस पॉइंट पे इट इज स्टार्टेड टर्निंग इनटू सॉलिड फेज ठीक है तो ये तो हो गया हमारा सॉल्वेंट का कौन सा फेज लिक्विड फेज ठीक है अब हम सॉल्यूशन का लिक्विड फेज लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेकिन सॉल्यूशन तो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा तो ये हमने सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ पे क्या है आपका सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज एंड दिस इज द टेम्परेचर एट विच सॉल्यूशन स्टार्टेड टर्निंग इन सॉलिड फेज तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द टी नॉट एफ ये क्या है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस टेम्परेचर इज द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्यूशन तो देखिए इसकी वैल्यू कम है टेम्परेचर इस साइड कम होता है ना ठीक है अब देखिए यहां से सॉल्वेंट तो यहीं से ही सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो ये वाला जो फेज है ना यहाँ पे इस ग्राफ पे इस पॉइंट पे इन दोनों के पॉइंट में जो सॉल्वेंट रहेगा ये सॉलिड फेज में रहेगा और जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ से सॉलिड फेज में आना स्टार्ट होगा तो ये जो पूरा ग्राफ है यहाँ पे चलो इनको नाम दे देते हम ए बी सी डी तो ये बी डी और इसके बाद का बाद का जो इस पूरा ग्राफ है यहाँ पे ये सॉलिड फेज रहेगी और यहाँ पे इस ग्राफ पे सॉल्यूशन लिक्विड फेज में रहेगा तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं तो अब यहाँ से हमें ये डेल्टा टी एफ मिल गया दैट इज वॉट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी चलो ये टेम्परेचर को यहाँ लिख देते हैं तो थोड़ा क्लीन हो जाएगा ठीक है अब देखिए ये जो स्टडीज होती है उन्होंने ये हमें बताया है कि दिस डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो प्रपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो ये क्या होता है पी नाट माइनस पी इसके अलावा जब थर्मोडाइनेमिक्स स्टडीज हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन सो so, एम इज वॉट इट इज द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन आप जानते हैं यहाँ पे हम मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज नहीं करते हैं क्योंकि मोलैरिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म और इस स्टडी में तो टेम्परेचर वेरी हो ही रहा है जबकि जो मोलैलिटी होती है दैट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सनट्रेशन टर्म इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सटेंट की एंट्री होती है दैट इज़ इक्वल टू के एफ एम के एफ को बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट क्रायोस्कोपिक क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन पहले इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं अब देखिए ये मोलैलिटी है अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते ही है मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया डब्ल्यू टू बाई एम टू डब्ल्यू टू है मास ऑफ एम टू है मास सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे डब्ल्यू वन है डब्ल्यू वन इज द मास ऑफ सॉल्वेंट अब ये अगर आप सब किलोग्राम में लेते तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वेशन यहीं तक रह जाएगी लेकिन आपने W2, W1, W1 को ग्राम्स में लिया है तो आपको यहाँ पे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दिस इज़ द इक्वेशन वी विल यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स अब देखिए यहाँ पे ये यह जो एम टू है दिस इज़ द मोलार मास ऑफ नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूट तो हमने आपको बताया था क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी वाले वीडियो में कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे हमें नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट का मोलार मास मिल जाता है और मोलार मास मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम नॉन वेलेटाइल सॉल्यूट का आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं सो एम टू इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू टू बाई डब्ल्यू वन और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड ठीक है तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं एम टू इज वॉट इट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए है ना कितना आसान अब हम इस के एफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक बंदा है और इसके बारे में एम सी क्यूज के में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बात करते हैं इसकी नाउ वी टॉक अबाउट द क्रायोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट सो क्रायोस्कोपिक वॉट इज वॉट इट इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाई डिटर्मिनिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक मतलब डेल्टा टी एफ अगर आपको पता है तो आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलार मास निकाल सकते हैं वही क्रायोस्कोपी है अब क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या होता है ये के एफ को ही हम क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं और इसका दूसरा नाम होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट अब इसको निकालेंगे कैसे तो देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू तो के एफ इन एम और मोलालिटी सॉल्यूशन की क्या होनी चाहिए यूनिटी सो so, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू तो के एफ सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट वन के जी का मतलब थाउजेंड ग्राम तो यहाँ पे हम मोलालिटी का वैल्यू वन कब आएगा जब आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे वन और मास ऑफ सॉल्वेंट होगा या तो थाउजेंड ग्राम या वन के जी तो ये बात हो गई किस तरीके से हम के एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब थोड़ा और सीख लेते हैं इसके बारे में के एफ़ की यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल एंड ये जो के एफ़ की वैल्यू होती है सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन तो ये इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो टू इन टू टी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एफ अब यहाँ पे जो टी एफ है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन एंड एल एफ इज़ द लेटेंट हीट ऑफ़ फ्यूजन और इसकी यूनिट होनी चाहिए कैलरीज पर ग्राम में अब वाटर के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सो के एफ़ इज़ इक्वल टू पॉइंट जीरो जीरो टू वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू होती है टू सेवेंटी थ्री के एलविन और लेटेंट हीट ऑफ़ फ्यूज़न की वैल्यू होती है एटी तो उस हिसाब से के एफ़ की वैल्यू आती है वन पॉइंट एट सिक्स आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है तो आपको ये इनपुट करनी पड़ती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरोस्कोपी एंड क्रोस्कोपिक कॉन्सटेंट अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सो इन दिस क्वेश्चन पॉइंट टू फाइव ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिज़ोल्ड इन थर्टी एम एल बेंजिन और बेंजिन का यहाँ डेंसिटी की वन है इट इसका मतलब है सोलेंट यहाँ पर हमारा बेंजिन है और जो सॉल्यूट का मास डिज़ोल्व किया गया दैट इज़ पॉइंट टू फाइव ग्राम और उस वजह से जो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है दैट इज़ जीरो पॉइंट फोर ज़ीरो डिग्री सेंटिग्रेड मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू है पॉइंट फोर डिग्री सेंटीग्रेड और इसको पॉइंट फोर केलविन भी आप लिख सकते हैं देखिए क्योंकि ये एक टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डिफरेंस की वैल्यू आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लीजिए या केलविन में लीजिए बात एक ही रहेगी तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया हमने सॉल्वेंट का थर्टी एम डेंसिटी गिवन है तो देखिए लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट है मास ऑफ सॉल्वेंट का मुलालिटी के लिए सो इट विल भी इक्वल टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ऑफ द सोलवेंट तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली इट इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ग्रैम के एफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में पूछा है हमसे मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट एंड द मास ऑफ सोल्यूट इज केवन तो बड़ा आसान फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल का इक्वेशन लिख दिया है ये हमें डब्ल्यू वन मिल चुका है डब्ल्यू टू की वैल्यू गिवन है तो निकाल लेते हैं डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ़ की वैल्यू कितनी है फाइव पॉइंट वन टू और डब्ल्यू टू कितना है दैट इज़ पॉइंट टू फाइव एम टू हमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यू वन की वैल्यू हमने निकाल लिया दैट इज़ ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड और जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है दैट इज़ पॉइंट फोर सो एम टू इज़ इक्वल टू फाइव पॉइंट वन टू बाई पॉइंट फोर इंटू पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इंटू थाउजेंड और इसकी वैल्यू आती है वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री ग्राम सो वन थर्टी थ्री पॉइंट थ्री ग्राम ऑफ इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जस्ट टेक द स्क्रीन ऑफ दिस सी द अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन सॉल्यूट इज ग्लूकोज उसका हमें मास गिवन है मोलर मास भी गिवन है सोलवेंट सॉल्वेंट इज ब्रोमोफॉर्म और सॉल्वेंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है और सॉल्वेंट का मास भी गिवन है पूछा क्या गया है हमसे हमसे पूछा गया है कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा तो देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो टी नॉट एफ से कम आएगी ठीक है तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूला हमने लिख लिख दिया है डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू के एफ़ की वैल्यू ये ब्रोमो फॉर्म आपका सॉल्वेंट है तो उसके लिए के एफ़ की वैल्यू गिवन है और के एफ़ की वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती है सो फोटीन पॉइंट फोर इंटू डब्ल्यू टू है फोर पॉइंट फाइव एम टू वन एटी डब्ल्यू वन है टू फिफ्टी और इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे करोगे तो आएगी वन पॉइंट फोर फोर केलविन अब देखिए क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ब्रोमोफॉर्म को हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया तो इसकी वैल्यू हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चाहिए अब क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो इसकी यूनिट केलविन में और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में सेम रहेगी अब देखिए डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होता है इट इज़ इक्वल टू टी नॉट एफ़ माइनस टी एफ और टी एफ की वैल्यू हमें निकालनी है डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वन पॉइंट फोर फोर टी नॉट एफ की वैल्यू कितनी है सेवन पॉइंट एट माइनस टी एफ सो टी एफ इज इक्वल टू सेवन पॉइंट एट माइनस वन पॉइंट फोर फोर और इसकी वैल्यू आएगी सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो इस तरीके से ये टी एफ क्या है ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है अब देख लीजिए इसकी वैल्यू सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं और वो क्या कर देते हैं ये सेवन पॉइंट एट में ये वन पॉइंट फोर फोर को प्लस कर देते हैं बट दिस इज द कॉमन सेंस कि सॉल सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू कम ही आनी चाहिए सो जस्ट टेक द स्क्रीन ऑफ दिस क्वेश्चन सो आई होप यू एन्जॉय टूडेज लेक्चर की वॉचिंग एम एस के केमिस्ट्री और अगले वीडियो में हम ऑसमोसिस को डिस्कस करेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग